नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। दीपिका पादुकोण ने दुकानदारों से एसेट मांगकर किया एक्सपेरिमेंट, बेहद डरावने आए नतीजे। तेजाब हमले की पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के संघर्ष पर बनी फिल्म छपाक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के शानदार अभिनय ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है। हाल ही में दीपिका ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। इसके जरिए अभिनेत्री जानना चाहती थी कि क्या बाजार में अभी भी आसानी से एसिड मिल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद डरावने और हैरान कर देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में दीपिका पादुकोण कहती है, अगर कोई आपको प्रपोज करे और आप मना कर दे तो अपनी आवाज उठाएं। तब भी अपनी आवाज उठाएं जब कोई आपके साथ बदतमीजी करे। अगर आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और कोई आपके चेहरे पर एसिड फेंक देता है तो अगर ये बिकता नहीं तो फिकता नहीं। इसके बाद दीपिका ने बताया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वीडियो में आगे दिखाया गया है कि कुछ एक्टर्स जो आम व्यक्ति बनकर दुकान पर एसिड खरीदने के लिए जाते हैं, वो दुकानदार से कहते हैं कि ऐसा एसिड चाहिए जिससे त्वचा जल जाए। हैरानी की बात है कि एक दो दुकानदारों को छोड़कर सभी कलाकारों को एसिड बेच देते हैं। ये पूरा नजारा दीपिका एक कार में बैठकर लाइव देख रही होती है। इसके बाद दीपिका बताती है कि उनकी टीम एक दिन में 24 बोतल एसिड खरीदने में कामयाब रही। ये उसके बाद की बात है जब उच्चतम न्यायालय एसिड बेचने पर कड़ी सख्ती लगाता है। इसके बाद कुछ तेजाब पीड़िता बताती है कि एसिड खरीदने के लिए व्यक्ति 18 साल का होना चाहिए। एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दिखाने की जरूरत होती है। साथ ही जो दुकानदार एसिड बेचता है उसके पास भी एसिड बेचने का लाइसेंस होना अनिवार्य है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।